हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैलेंडर का लास्ट पार्ट। तो ये कैलेंडर एंटी नेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन का वीडियो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। तब तक आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होगा, आप उसकी चिंता मत करिए। अगर आपको दोनों मीडियम चाहिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो इसकी कॉस्ट है 595 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है, अगर आपको पेपर 2 कॉमर्स का फुल PDF चाहिए विद अपडेटेड मटेरियल, तो आपको वो आप हमसे ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट है 700 रुपीज़। आपको फुली अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार, स्टडी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमारी कैलेंडर के बेस पे 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर का टॉपिक है कैलेंडर रिपीटेशन के बेस के ऊपर, यानी कि अगर कोई कैलेंडर आपको दे दिया किसी साल का, वो फिर से कब रिपीट होगा, अगर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आए। तो ये सबसे कैलेंडर में आसान टॉपिक है, और अगर आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिखेगा तो आपके 1-2 मार्क्स तो बड़े आराम से पक्के हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है कि अगर लेट्स सपोज कि आपको ऐसे ना इनमें से कोई भी एक ईयर दे दे, वो पूछेगा कि यही वाला कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, ये चेक करके बताओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हमें जो भी गिवन कैलेंडर होगा उसको सिंपल 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद हमने चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। देखो, अगर तो रिमाइंडर 0 आया तो हमने सिंपल जो गिवन ईयर होगा उसमें 28 ऐड कर देंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो हम उसमें 6 जोड़ेंगे, अगर रिमाइंडर 2 और 3 आया तो हम उसमें 11 जोड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये रिमाइंडर का पता लग गया होगा। चलो अब हम चेक करके देख कि क्या हो रहा है। और इसमें एक और बात नोट करने वाली है कि एवरी टाइम जो लीप ईयर होता है वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक है, और जो नॉन लीप ईयर है उसकी रिपीटेशन भी नॉन लीप ईयर में ही होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लीप ईयर का कैलेंडर आएगा वो लीप ईयर में रिपीट होगा, जो नॉर्मली कैलेंडर होगा वो नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी 1-2 एग्जांपल करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा है कि 2017 ये वाला कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा। तो ठीक है, मैंने आपको ऊपर क्या बोला कि गिवन कैलेंडर को 4 से डिवाइड करें, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये 1 बच गया। ये मेरा 1 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि अगर 1 आ जाए तो गिवन ईयर में हमने 6 ऐड कर देने हैं। तो हमारा गिवन ईयर क्या था, 2017, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 2023, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और 2017 का कैलेंडर फिर 2023 में रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही और एक चेक करके देख लेते हैं कि अगर 1830 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप देखो 4 से किया तो 4 पे 16, 5 पे 20, 2, तो अब मेरा क्या आया लास्ट में, 2 मेरा रिमाइंडर है। तो हमारा गिवन गियर क्या था, इसमें अब हम क्या करेंगे, 11 ऐड करेंगे, तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो 1841 ईयर में रिपीट होगा, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको रिमाइंडर 1 और 2, 3 का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 वाला भी देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए ये 2012 का कैलेंडर, ठीक है, तो 2012 का देखिए क्या है, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, पहले तो ये लीप ईयर है, तो मेरा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0।
ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जो गिवन कैलेंडर होगा उसमें आप 28 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जब आप इसमें 28 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2040, ठीक है। तो 2012 का कैलेंडर फिर जाके 2040 में रिपीट होगा और यही मेरा क्या है आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से एक और देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी लीप ईयर है तो ये रिमाइंडर 0 ही देगा, ठीक है। तो अब गिवन ईयर में हम क्या करेंगे, 28 ऐड और हमारा आंसर क्या आएगा, 2100, ठीक है। लेकिन अब ये जो 2100 है ये क्या बन गई हमारी, एक सेंचुरी जिसे हम शताब्दी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये 2100 तो शताब्दी को चेक करने के लिए क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। ये मैं अपने पार्ट टू की वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर नॉर्मल ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर सेंचुरी को चेक करना है तो उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिर सेंचुरी नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम ये एक नंबर 40 है। जब ये सेंचुरी ना बने तो जो भी गिवन ईयर उसने पूछा हुआ था उसमें क्या हम 40 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 यानी कि अब हमारा जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2112 ईयर में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट कैलेंडर रिपीटेशन का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक था, एक बार फिर से देख लो कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो आप 28 ऐड करेंगे, 1 आए तो 6, 2 और 3 आए तो 11 ऐड करेंगे, ठीक है। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।